प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव। इस वीडियो में मैंने पूरे महोत्सव को दिखाने की कोशिश की है, तो वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये शताब्दी महोत्सव गुजरात के अहमदाबाद सिटी में सेलिब्रेट किया जा रहा है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से ये लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ तक आने के लिए कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आसानी से मिल जाएंगे। वैसे ही वापस रेलवे स्टेशन जाने के लिए सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ आप अपने प्राइवेट व्हीकल्स भी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी व्हीकल्स की पार्किंग की काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। इवन यहाँ पर रेंट पे व्हीलचेयर की व्यवस्था भी है, जो कि सभी गेट्स के पास में ही है। हम अभी गेट नंबर 7 पे खड़े हैं। ऐसे 6 दरवाजे और भी हैं। ये दरवाजा मुख्य दरवाजा है। इसकी ऊंचाई लगभग 51 फीट और लंबाई 380 फीट की है। पूरे दरवाजे पे अलग अलग संतों की मूर्तियां बनाई गई है और बीच में प्रमुख स्वामी महाराज की फोटो। मुख्य दरवाजे के ठीक सामने हाथ में माला की एक प्रतिकृति बनाई गई है, जो देखने में काफी अच्छी लगती है। ये सांस्कृतिक प्रवेश द्वार नगरी की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। अगर आप इस दरवाजे से प्रवेश करते हैं तो नगरी के ठीक सामने से आप प्रवेश करेंगे। यहाँ से आप सीधा प्रमुख स्वामी महाराज की बड़ी प्रतिमा की ओर जा सकते हैं। इस प्रतिमा को प्रमुख स्वामी महाराज महाप्रतिमा के नाम से बुलाया जाता है। यह नाम पूरी तरह से जस्टिफाई होता है, क्योंकि यह प्रतिमा 30 फीट ऊंची है। इसकी स्थापना करने का आसन 15 फीट ऊंचा और 40 फीट चौड़ा है। इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक दिए रखे गए हैं, जो कि रात के समय काफी भव्य नजारा बनाते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज की बड़ी मूर्ति के साथ स्वामीनारायण भगवान की मूर्ति भी स्थापित की गई है। सभी लोग यहाँ उनका आशीर्वाद लेते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में की हर एक घंटे की विरल सेवा को दर्शाती ऐसी घड़ी चारों ओर बनाई गई है। यहाँ तक पहुँचने के इस मार्ग पे दोनों तरफ स्वागत की मुद्रा में देवों की प्रतिमाएं भी बनाई गई है, जिनके हाथ में फूलों के गमलों को सजाया गया है। यहाँ आसपास ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ियां यूज होती है। गेट के पास में ही शाम की सभा के लिए जगह बनाई गई है। अगर हम दूसरे 6 दरवाजे से प्रवेश करते हैं तो हमें सबसे पहले फूलों के गमले सजाए हुए मिलेंगे। ये दिखने में काफी खूबसूरत है। शाम को यहाँ धूल ना उड़े उसकी तैयारी चल रही है। गेट के ठीक सामने इंक्वायरी विंडो बनाई गई है। जगह जगह पे हमें ऐसे बोर्ड्स पे डायरेक्शंस मिल जाते हैं। इंक्वायरी विंडो के पीछे से ऐसी चीजें सजाकर रखी गई है, जो कि गेट से प्रमुख स्वामी महाराज की महाप्रतिमा तक जाने वाले पूरे रास्ते पर बनाई गई है। यहाँ पर भी हाथ में माला वाली प्रतिकृति थोड़ी छोटी साइज में रखी गई है। थोड़ा और आगे जाने पर रास्ते में ऐसे फूलों के गमलों से सजाया हुआ प्रवेश द्वार बनाया गया है। ये काफी खूबसूरत लग रहा है। थोड़ा और आगे जाने पर हम महाप्रतिमा के काफी करीब पहुंच जाते हैं। रास्ते के बीच में रखी गई सजावट भी काफी खूबसूरत है। ये सभी मानव सृजित साधनों के साथ आसपास के नेचुरल फूलों के गमलों का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। रास्ते के दोनों तरफ चाय नाश्ते के लिए स्टॉल्स मिल जाते हैं। सामने का रास्ता भी इसी रास्ते की तरह सजाया गया है,
पर अंदर की कुछ चीजें अलग रखी गई है। महाप्रतिमा की दाई और बाई दोनों तरफ से अंदर जाने पर ऐसा फूलों का गेट मिलता है। हाथों की ऐसी मुद्राएं भी काफी खूबसूरत तरीके से बनाई गई है, जिसको महाप्रतिमा के दोनों तरफ रखी गई है। रात्रि के समय के लिए लाइटिंग भी की जाती है, जिसमें ये सब और भी खूबसूरत लगते हैं। हम ये सब देख ही रहे थे, उसी समय वहां से ये लोग मार्च करते हुए पसार हो रहे थे। उसको देखने के लिए आसपास के सभी लोग कुछ देर के लिए वहीं थम गए। उन लोगों के कपड़े और चाल एक समान लग रहे थे। हम लक्की थे कि हमें ये सब देखने मिला। जैसे ही वो लोग चले गए, रुकी हुई भीड़ में मानो जान आ गई। सभी लोग प्रमुख स्वामी जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ने लगे। हम भी वहां कुछ देर रुके और फिर आगे बढ़े। बाहर की तरफ ये खूबसूरत गार्डन बनाया गया है, जो इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ाता है। उसकी दोनों तरफ भजन कुटीर बनाई गई है, एक तरफ पुरुष विभाग और दूसरी तरफ महिला विभाग। ये है यज्ञ कुटीर। कुछ देर वहां रुकने के बाद हम आगे बढ़ने लगे। प्रमुख स्वामी महाराज की महाप्रतिमा के पीछे बनी हुई है दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की रेप्लिका। उस ओर जाने के रास्ते के दोनों तरफ ग्लो गार्डन्स बनाए गए हैं। बीच में प्रमुख स्वामी महाराज की एक और प्रतिमा भी बनाई गई है। ग्लो गार्डन की लेफ्ट एंट्री को ऐसे कुछ सजाया गया है। ये है ग्लो गार्डन या ज्योति उद्यान का प्रवेश द्वार, जो कि नाइट में कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ टोटल 8,300 प्रॉप्स बनाए गए हैं। इन सभी को स्वयं सेवकों ने अपने हाथों से बनाया है, जो कि दिन और रात दोनों समय काफी अच्छे लगते हैं। यहाँ की एक एक चीज में सभी लोगों की मेहनत दिखती है। आपको इस गार्डन की कुछ झलक दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही हमने गार्डन घूमना चालू किया, लाइट्स ऑन होने लगी थी, और ये क्या नजारा था, क्या बताऊं। इतना जरूर कहूंगा कि आप यहां आते हो तो नाइट टाइम स्पेंड करना बिल्कुल मिस मत करना। एक एक चीज इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि हम देखते ही रह गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहां सिर्फ डेकोरेशन ही अच्छा है। हर एक चीज के पास में कुछ ना कुछ अच्छा मैसेज लिखा हुआ है, जैसे कि गाय न केवल अपनों के लिए किंतु सभी के लिए दयावान होने की सीख देती है। कीचड़ तथा पानी के प्रभाव से अलिप्त कमल और हंस प्रकाश से भी अधिक उज्जवल ऐसी शुद्धि का उजाला फैलाते हैं। शेर हमें हिम्मतवान बनना सिखाता है। हिरन हमें जागृति सिखाता है। बया पक्षी का घोंसला हमें परफेक्शन सिखाता है। ऊंट हमें सहिष्णुता व अथाग काम करना सिखाता है। वानर हमें जीवन में विनोद करना सिखाते हैं। चेतक घोड़ा हमें सेवा का महत्व समझाता है। दो बकरी की कहानी हमें नम्रता सिखाती है। वैसे ही कबूतर शांति का प्रतीक माना जाता है। साथ में उड़ने वाले ये पक्षी संवादिता सिखाते हैं। वैसे ही भालू हमें आत्मविश्वास सिखाता है। कुत्ते हमें वफादारी सिखाते हैं। चींटियां हमें यूनिटी की ताकत सिखाती है।
वैसे ही गजेंद्र हमें प्रार्थना की शक्ति सिखाते हैं। इस सेक्शन में हमें साइंस की कुछ प्रतिकृतियां और महान व्यक्तियों के विचार देखने मिलते हैं, जैसे कि आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन E=mc2। ये है श्रीनिवास रामानुजन के इक्वेशंस। ये है ह्यूमन माइंड की रचना। यह थॉमस अल्वा एडिसन का लाइट बल्ब है। यहाँ पेड़ों के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले ऑक्सीजन का महत्व दिखाया गया है। डॉक्टर वर्नर ब्राउन का अपोलो 11 रॉकेट भी यहाँ पर रखा गया है। ये है गांधी जी का चरखा। इन सभी के आसपास ऐसे शंख, तिलक, ओमकार, स्वस्तिक और धूप बनाए गए हैं। ग्लो गार्डन या ज्योति उद्यान से बाहर निकलते ही हम सीधा अक्षरधाम के रेप्लिका मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के लिए यहां से राइट में जा सकते हैं। यह लगभग 67 फीट ऊंची रेप्लिका है, जो कि एक्चुअल में काफी अच्छी तरह से बनाई गई है। मंदिर के बाहर ऐसे फूलों के मोर बनाए गए हैं और प्रवेश द्वार के दोनों तरफ ऐसी प्रतिमाएं रखी गई है। चलिए हम भी अंदर चलते हैं। मंदिर के अंदर ये छोटे बच्चे भजन गा रहे थे। रेप्लिका मंदिर की नकाशी बिल्कुल दिल्ली वाले अक्षरधाम मंदिर की तरह रखी गई है। इसकी दीवारें, इसके खंभे, सब कुछ काफी डिटेल बनाया गया है। पीछे की तरफ राधा कृष्ण जी की मूर्ति है। दर्शन करने के बाद फिर हम वहां से आगे बढ़ने लगे। वहां से नीचे उतरते ही सामने वॉल पर अवर इंडिया माई इंडिया की प्रस्तुति पजल के रूप में बनाई गई थी। वहां तक जाने के रास्ते में एक तरफ एक की ताकत का मैसेज देती हुई ये प्रस्तुति रखी हुई थी और दूसरी तरफ दूसरों के सुख में अपना सुख दर्शाती ये प्रस्तुति रखी थी। वहां पास में ही यह इलेक्ट्रिक कार थी, जो एकदम क्लासिक लुक दे रही थी। पूरे परिसर में इतनी ज्यादा भीड़ होने पर भी मैनेजमेंट एकदम बढ़िया होने की वजह से सब कुछ स्मूथली चल रहा था। जगह जगह पर रखे हुए डायरेक्शन काफी मददगार साबित हो रहे थे। वहां से बाहर मंदिर के पीछे की तरफ भी ग्लो गार्डन का थोड़ा हिस्सा है। वहां पर गुरु में श्रद्धा के प्रतीक स्वरूप दिए रखे गए हैं। साथ में हाथों की ऐसी मुद्राएं और भगवान के पास जाने का दिव्य मार्ग भी दर्शाया गया है। यहाँ पर हमारे भारत देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने का प्रयास किया गया है, जिसे देखकर ही हमारे मन में देशभक्ति जागृत होती है। यहाँ पर हमें पूरे विश्व में श्रद्धा रखने का संदेशा दिया गया है। इसके अंदर पूरे विश्व के देशों के झंडे लगाए गए हैं। यहाँ पर विक्टोरिया जायंट लोटस के दो प्लांट्स रखे गए हैं, जिसके पत्ते काफी बड़े होते हैं। यहाँ उनका फूल भी देख सकते हैं। सबसे आखिर में हिंदू धर्म के वेद पुराण और महाकाव्यों का महत्व समझाने के लिए डेकोरेशन बनाया गया है। इसके पीछे बाल नगरी शुरू होती है। और सारे शो को नगरी के छोर पर बनाया गया है, जो हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में देखेंगे, नहीं तो ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में।